एमडी म्यूजिक फिल्म में आपका स्वागत है। एमडी म्यूजिक फिल्म को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और नए नए गाने सबसे पहले सुनने के लिए घंटी को दबाएं। बहुत अच्छे। बारे मालिक अच्छा भैया, बड़ी बिरहा आप लोग सुनत हुआ, एक बिरहा फिर पेशवा एमडी म्यूजिक के सौजन्य से। अनिल यादव और अजीत यादव हमारे छोटे भाई के देखरेख में, सबका आशीर्वाद चाहिए। देखी जा, लोग कहला कि लाख करे चतुराई विधि कर लिखल मेट न जाई, मालिक के आगे कोई कचारा नहीं चले ला। ए बाबू का हम गाई आकाश सुनाई, चार लाइन भूमिका में कवि जी लिख ले हुन। ए खुदा, मरने वालों का क्या दोष है, ऐसे मारोगे तो कोई कैसे सहेगा, अपना अपने की पहचान कर ना सका। बोलो मालिक की वह दाह किसका करेगा, मर गया जो मिली उसकी राखी नहीं है, मरा जिसका वह आखिर कैसे जिएगा, अपने को जो कफन तक न दे पाया हो उसके आत्मा को क्या शांति दे पाएगा। अपने को जो कफन तक न दे पाया हो उसके आत्मा को क्या शांति दे पाएगा। बहुत ही अभी देखे हाल में ही बड़ी ही भीषण अग्निकांड हुआ दिल्ली में, रानी झांसी रोड अनाज मंडी में, तमाम जगह के वहां हमारे भाई मजदूर गरीब जो वहां नौकरी करके अपने परिवार का जीविका पेट पर्दा चलाते थे, लेकिन मालिक की निगाहें जब तक थी तब तक पेट पर्दा चला। मालिक की निगाह जब मुड़ गई तो इस दुनिया से रास्ता जिस ओर वो बनाए हैं वहां जाना ही पड़ेगा। एक लाइन यहाँ गीत लगल, गीत से बढ़िया भाव हो। मालिक को उलाहना कवि जी की लेखनी दे रही है कि हे मालिक, जौने फुलवारी के माली ही अगर फुलवारी में आग लगा दे तो ऊ फूल कैसे रही, ओकर चीख के सुनी भाव वा कैसे। बगिया में अगिया जब कि बगिया में अगिया जब मलिए लगाई, बगिया में अगिया जब मलिए लगाई के सुनी फूल के रवाई, भैया के सुनी फूल के रवाई भैया।
दूसरी लाइन में कहना आम हो कि नैया के मझिया जब नैया के मझिया जब बिचही डुबाई नैया के मझिया जब बिचही डुबाई का करी है बोला गंगा माई है का करी है बोला गंगा माई भैया नैया के मझिया जब बिचही डुबाई तो का करी है बोला गंगा माई जब खेवन नहा रही ये दुनिया से विमुख कर दी है तो धरती पर कोई बचावे वाला नहीं हो। यहीं से कहानी के शुरुआत हो गई मास्टर साहब कहाँ का कहानी हो कैसन हो एक एक लाइन आप लोग सुनत चला बहुत बतियावे के ना हो विराजम साफ उतर जाई समझ में आ जाई। यूपी के मिर्जापुर में सबरी बाजार है बगल के गांव में रहते अंगनू लोहार है औलाद ये कही था पूरे घर का सहारा दिल्ली में करता नौकरी मेहनत से बेचारा बहन की शादी थी 16 जनवरी 20 में घर आने वाला था दिसंबर लास्ट 19 में कहानी के समझला आप लोग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर सबरी बाजार के अंतर्गत रहने वाले अंगनू विश्वकर्मा जी जेकर एकलौता बेटा दिल्ली में काम करत हुन अनाज मंडी में पेट पर्दा परिवार के चलावत हुन माई बाबू का आशीर्वाद बा कमा के अपने माई बाबू एक बहन बा ओकर धीरे धीरे परवस्ती चलत बा 2020 में बहन के शादी जनवरी में 16 जनवरी के रखले हुन तय कर देले हुन आवे वाला रहलन है 2019 लास्ट में दिसंबर में ही आवे वाला रहलन है तब तक ए बाबू मालिक के निगाह मुड़ गई मालिक का निगाह यह मुड़ल के जौना फैक्ट्री में काम करत रहलन हम जौने मंडी में वो काम करत हुन शाम के वक्त खाना पीना खा के सब लोग आराम करत हुन 10 बजे सुबह में ड्यूटी खत्म होखे वाली बा तब तक भोर में ही एक बड़ी दुखद घटना घटल घटना यह घटल कि वो मंडी में भोर में ही आग लग गई 4 बजे थो जब आग के सनसनी उलरिका सुनन कुछ लोग आग में जलत हुन चारों तरफ से बंद बा बेकाबू बा आग निकले लाक नाही बा तुरंत फोनवा लगा देलन घरे आ जैसे भोर में फोन लगल हो माई उठौली नहा बेटा कैसे हुआ कुशल छेम बतावा कहलन के माई बस इतने दिन खाती हम तोहके माई कह के रहली आ इतने दिन खाती अब हम तुहार बेटा रहली है ए माई सब कुछ भुला के एगो काम करी हा जवन 16 जनवरी के बहिनिया का दिन रखलो शादी के ओके ढंग से बिता लिया और बहुत चिंता कैले के जरूरत ना हे बेटा साफ साफ बतावा काहे ऐसन बोली बोलत हुआ काहे कुभाखा बोलत हुआ साफ बतावा कहलन के माई सुन ला हम साफ है बतावत थी का बतावत हुन गीत का लाइन बा कि छोड़ी गई लरे छोड़ी गई लरे रात सुतले सजरिया पर गीत बा लेकिन बिरहा में बहाव कवि जी लिखलन है हे मालिक हे माई मालिक के और भी गुहरावत हुन की का मालिक की कवन दिन हमके देखावत हुआ माई से बताओ थुन के माई दुख मत लिहा तनको भी अपने कलेजे में गो काम करिहा कि माई बहिनी का सतिया
माई बहनी का सदिया बीतई है कई सोर माई बहनी का सदिया हे बेटा तनाई बेका अगली लाइन बतावत हूँ कि अपन बदर कर दवा बनाई है कई सोर माई बहनी का सदिया बिताई है कई सोर माई बहनी का सदिया बजर का करे जा कह के माई बहन के शादी के बिता लिहे रे माई। जब माई सुनली तो कहली कि ऐसे मत करा बेटा। कहलन ए माई हम अब लाचार हैं। काहे लाचार हुआ कहतुन कि जौने हम मंडिया में काम करीला चारों तरफ से घिर गल है माई ये मंडी में आग लग गई है। लागल बयाग माई बानी घेराई कितना लोग मर गई आग ना बुझाई लसिया मिल नहीं बाबू के समझाइए कई सोर माई बहनी का सदिया बिताइए कई सोर माई बहनी का सदिया फोन पर लड़का रोवत हो कि ए माई जौन मंडी में हम काम करीला आग लग गई बा चारों तरफ से धू धू करके जलत बा जितना भी हमन कर्मचारी है यही में घेरा गल ही बहुत लोग अखिया के समन में जल गई रे माई तनी से मौका मिलल हो कि हम अपने माई के बता दें अब हमहू नाही बचब रे माई आ नाही हमार लाश भी मिल पाई बाबू के कैसहू समझाए के बहनी के शादी कह के विदाई कह दी है रे माई तब तक बहिल का तब ले तक घेर ले रसिया के लहरिया आहे लोहे लो करत रही गईली मदरिया हमारा बचवन के मालिक बताई है कई सोर माई बहनी का सतिया बताइए कई सोर माई बहनी का सतिया कहलन माई घेराए गल है इतने कहे में टेलीफोन बंद हो गल माई हर से हलो 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 करत ही लड़का कहलस कि जौने मंदी में हम काम करीला माई आग लग गई हम घेरा गल है माई मनावत ही के हे मालिक हे दुनिया का मालिक आप जहाँ चाहला नैया पार हो जाले जब चाहला तो बीच धार में डूब जाले हमरे लाल के हमरे बेटा के हमरे हृदय के टुकड़ा के बुढ़ौती के लाठी के आप कैसहू बचैया मालिक ई है कह के रोवत ही तब तक भइल का कुछ देर के बाद मास्टर देखें तमाम गाना बिरहा आप लोग सुनत हुआ लेकिन एक ऐसा बीरा है कि गईबा का सुनबा का लेकिन यही जमाने की रीति है जो आया है एक न एक दिन उसको जाना है कहनाम भाई से शुरुआत में कैसे माई जैसे सुनली न आवाज बंद हो गई चीख चीख के रोवे गली गांव पुर जुटल हुन तब तक चारों तरफ समाचार मिला लोग देख रहे हैं कि यहाँ फला जगह अनाज मंडी में दिल्ली आग लगी हुई है रानी झांसी रोड तमाम लोगों को न्यूज मिल गया जब माई सुनली है कहली ओहो अब हमार बेटवा नाही बची है आगे बताओ गल का कुदरत की मार भी गजब की कहर ढाती है
किनारे आते आते नाव डूब जाती है। जिला फतेहपुर यूपी का निराला है, जिला फतेहपुर यूपी का निराला है। राजू मलाह जो सदर का रहने वाला है। छोटा भाई था राम दोनों दिल्ली रहते थे, छोटा भाई था राम दोनों दिल्ली रहते थे। पिता बीमार है तन मन से सेवा करते थे। जिला फतेहपुर यूपी सदर का रहने वाला राजू मलाह वो भी वही ड्यूटी करत हुन। बाबू घरे बीमार हुन, दोनों भाई जोन बा मेहनत से कमात हुन। आए हर जोन बा पिताजी का सेवा सत्कार भी करत हुन। पिताजी आए दिन आशीर्वाद देत हुन कि जा बेटा जैसे हमें जुड़वाओ तो मालिक तो है जुड़वी है। लेकिन जब मालिक के निगाह में जुड़ाए के लिखल रही तब न जुड़ी है कहा। गौर करेंगे आगे बतावल गिल का। बड़ा भाई उस दिन रोम पर था, छोटा भाई ड्यूटी में चला गया। बड़का भैया रूम पर हुआ, छोटका चल गल हुआ ड्यूटी में। आ जैसे ही सुबह 10 बजे निकले का टाइम बा, भाई इंतजार करत हुन बड़का के सवेरे होताई, एकरे बाद हमार दूसरी शिफ्ट में ड्यूटी लगी। तब तक कुछ देर के बाद में टेलीफोन आ गई। टेलीफोन आयल हो बड़का भैया के पास, कैसन टेलीफोन हो कैसन आवाज हो बतावत हुन का। एक लाइन गीत लगल मास्टर। कि तिरछा तिरछा कजरावा ककोरु हो भारत छतिया में बान बान। घंटी बजलो बड़का भाई उठाओ थुन। हलो हलो बोल बाबू का हलवा बताओ थुन फोन में। कि ये भैया बची नहीं जानू काहे रे, ई कौन संदेश सुनावत हुए बताओ थुन। कि ये भैया बची नहीं जान, बिरान तोहर जिंदगी हो जाई है। बाहरे ममता यह दुनिया के लोग कहलन कि भाई जैसन हित न भाई जैसन दुश्मन। भाई आग के घेरे में है जलने वाला है, लेकिन अपने बड़का भाई का चिंता वो के हो। कहथुन कि ये भैया अब हम तो नहीं रहब लेकिन तुहार जिंदगी वीरान अकेला हो जेबा। ये भैया बची नहीं जान, वीरान तुहार जिंदगी हो जाई है। बतावत हुन काहे ऐसन भाषा बोलत हुए भैया। कहला हम के न छोड़ी है भगवान है भैया। अरे हम के न छोड़ी है भगवान, विराज तो हर जिंदगी हो जाई है। कहले भैया बस रोई हमत भैया। हे भैया कि रोई हमत भैया, हमार मिली नाही लसिया। भैया हो घर लागल, भैया हो धारे लागल हमरो के यकिया। ए
इतन कह के रुक गईल जुबान हैरान, कह के रुक गईल जुबान पीरान तुहार जिद भी हो गई है, इतन कह के रुक गईल जुबान राम भैया से बतावत हूं कि ए भैया यह देखा हो अब तो से बात ना हो पाई, कहलन काहे ऐसा भाषा बोलत हुआ भैया, कहलन कि ना ही बोलत ना ही जो ना मंदी में हम लोग काम कई जलाए में आग लग गई बा, आज जहर से हम निकले के बाद जो प्रवेश आ निकास द्वार बा चारों तरफ से घिर गल हो, लह लह कई के आग जलत बा, बहुत हमार भाई कर्मचारी लोग आग में जल के मर गए हमारे सामने, हमरो अब पास आ गई बा, अब हमसे आपसे बात ना हो पाई हो भैया, हमरो शरीर में आग अब लग गई बा, इतना कह के टेलीफोन कट गल। जब भैया सुनलन है तो कहला ओ हो अब अफरा तफरी मचल बा, भाई तुरंत जोन बा अपन रूम बंद कैलन है, अब बंद करके तैयारी कैलन कि जल्दी जल्दी गईल वहा, अरे जल्दी जल्दी गईले वहाँ बड़का पिरनवा, अरे केहू का ना चारा चलया पी के समनवा, भागल दौड़ल भैया पहुंचलन देखलन कि धा धा करके फैक्ट्री जलत बा, तमाम लोग सुरक्षा कर्मी से लेके कर्मचारियों के घर का लोग शहर के लोग वहां पहुंचे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि हम जाकर किसी कर्मचारी को बाहर कर ले, लेकिन भाई खड़ा होकर सोचत हूँ कि अब भाई हमार जो कहला सत्य हो गई लब उसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता हो कि हमार भाई वो दहकत आग में जलत हो, लेकिन एगो बात कहत हो का जल्दी जल्दी गईल वहाँ बड़का पिरनवा, अरे केहू का ना बस चल आगी के समनवा, लौट जाए भैया तू मकान हेरा, लौट जाए भैया तू मकान पिरान तुहार जिद की हो गई है, जैसे ही महसूस होतो कि आग के दहक थे भाई सजेशन दे थो कि भैया अब हमार रखियो नहीं तो के मिली अब जा, वहीं से मायूस हुन तमाम लोग जुटल हुन, बिरहा में भाव लगल मास्टर तीसरी कहानी के ओर आप लोग चला कि अब धनगरिया के बगल बगल भारत कुंड बगल में गाँव नारिया, आ वही जके विधवा कदू गो पीटिया दिल्ली में बनवल रहली ठावा हो, अवध नगर के बगल भरत कुंड के रहने वाली एक विधवा माँ जिसके पास दो बेटियां हैं, दूगो बिटियन के लेके वही दिल्ली में रहत रहली, आ वही अपन एक छोटा मोटा आसियाना बना के, आ दोनों बहन जोन बा
कबो कबो दो शिफ्ट में लग जाए पारी पारी से, कबो कबो साथ में ही ड्यूटी लग जाए। लेकिन ए मालिक देखा जब निगाह मुड़े ले तो बड़ी घनघोर आंधी और तूफान जैसे चले ले, चाहे वो अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो। दोनों बहन ड्यूटी करत थी, एक दिना के बाद बा बड़ की बहन अली है कि तू ड्यूटी करा उतर के धीरे से वो मंडी से कुछ दूर पर जाके रिचार्ज भरावे लगली। कि रिचार्ज भरा के चलिए धीरे धीरे समय खत्म होवे वाला बा, अब सुबह के वक्त हम लोग के जोन बा छुट्टी हुई 10 बजे, तब तक भइल होका मास्टर यहाँ गीत बदल गई। कि हम सुरतिया नसा जली संवरली, हम सुरतिया नसा जली संवरली, कि पिया से मिलान हो गई। दोनों बहन संग में ड्यूटी करत रहली है, आ जैसे ही बड़की बहन अली है नीचे बिल्डिंग से उतर के मोबाइल में रिचार्ज भरावे लगली। आ कुछ देर के बाद में तब तक बहन के फोन पर वो बड़की बहनी आके मोबाइल पर फोन आईल हो के कर छोटकी बहन का फोन पर बतावो थी कि आई नीचवा जब बड़की बहनिया, आइल निचवा जब बड़की बहनिया तब फोन पर भूचाल आ गई। फोन लगा के बड़की बहन के यहाँ छोटकी बतावत हो के बहन अब न बची तोहर छोटकी बहनिया, अब न बची तोहर छोट की बहनिया, ए बहन हमार कालिया गई। तबले बड़की बहन प्रियांश रोवत थी कि काहो बहनी ई का कहलू, कहा बहनी अब लगता कि संगवें बड़ा दुख में माई हमन के पलली, लेकिन अब हमरो साथ तो से छूटे वाला बा, मालिक के बुलावा आ गई। कहली काहे बतावत थी, अरे चाहे जैसे होई बहनी रे, अरे चाहे जैसे होई हमके माई से चोरैया, चाहे जैसे हो ई हमके माई से चोरैया, पूछिया जब जबरी तब के बहकैया। ना तो मर जाई सुनत मतरिया, ना तो मर जाई सुनत मतरिया, कि तबले बंद काल हो गई। मतरिया कि तबले बंद काल हो गई, रोके बतावत थी कि बहन आग लग गई फैक्ट्री में, हाउ कहाँ कहली हम तो नीचे उतरिया लही। कहली कि आए हो बहनी ई कैसे बहल का ना बहिन, अब तू आवे के कोशिश मत करी हा ऊपर, जहर से भी निकास और निकले का रास्ता हो प्रवेश के ले का रास्ता हो, दोनों रास्ता आग से घिर गई ले हो बहनी, अब मत यहा हमार तोहार इतने दिन खाती साथ रहल हो बहिन, लेकिन माई के इस सजेशन मत बतैया, जब जाया तो बतेबो करिहा तो खुलासा मत बतैया कि हमार बहन ये दुनिया में नहीं हुन, नहीं तो माई हमार सोच सोच के मर जाई, ये दुनिया से प्राण त्याग दे। जब ये तनी सुलस बहनिया
छोटकी बहन के बात के सोचा लगले कि अब मालिक कौन मुंह लेके हम माई के सामने जाई, कैसे वो अपने माई के समझाई जौन सिंदूर त्याग दहलस जवानी में ही और हमहन के बचपना से धीरे धीरे जवान कैली, लेकिन अब उनके कौन सजेशन दे कैसे बतौली नहीं यार। टेरी के लाइन लगल मास्टर कि अरे मंजर को देख समुंदर सुख गया, मंजर को देख समुंदर, मंजर को देख समुंदर सुख गया, करके आह आह लोग जले आग के अंदर अंदर अंदर, करके आह आह लोग जले आग के अंदर, मंजर को देख समुंदर सुख गया। सुनत हो लोग चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन केहू को बस कहाँ काम करत बा कि जाके बचावल जा, चाहे वो सैनिक लोग हो कहें देश के रक्षक हो कहें, चाहे शहर वाले भाई लोग हो कहें, चाहे फोर्स वाले भाई लोग हो कहें, सब लोग बचाव कार्य में बचाव राहत में लगल हो, लेकिन मालिक के निगाह से बच के कोई जाई कहाँ। एक लाइन यहाँ विदेशिया के गीत लगल मास्टर, क्यों मरल नजरिया नऊ मरल हिया रवा, खड़ा खड़ा हो गईली हताश मोरी बहिनी, अंतिम में फोनवा मतरिया के कईली हो, रुकी रुकी के चल लागल यह सांस मोरी बहिनी, हताश हो गई बड़ी बहन खड़ी है, लेकिन कुछ देर के बाद सोचलस की माई के बताई हम जरूर, फोन लगा के मतारी के फोन लगा दहली, ने घंटी बजल लगल माई उठा लेली फोन, तब फोनवा पर पूछ लगली माई अपने बिटिया से, तबल रोव लगली प्रियांश मोरी बहिनी, माई के यहाँ टेलीफोन गल, हेलो हाँ प्रियांश बतावा बेटिया कब आवत थे लोग, तब तक शीशक शीशक के रोवे लगली, कहली कि ये माई हम आ गुड़िया डेली संग ही आवत रहली ड्यूटी कह के जात रहली, लेकिन मालिक के मंजूर नहीं भले माई, आज लगता कि हम अकेले आई हमार गुड़िया हमारे संगे नहीं आई। माई जब ये बात के सुनली तो कहली नहीं कि कुछ देर बीतल मतरिया भी आईली हो, तमांग लगली बिटिया कलाश मोरी बहिनी, कल के मई डेली हम गुड़िया आवत रहली, लेकिन आज गुड़िया हमारे साथे ना आई है, हम कौन मुंह लेके आई का हो गई ले बिटिया कैसन यशगुन बात बताओ तो, कहने के माई फैक्ट्री में आग लग गई, रिचार्ज करावे अली है नीचे उतर के बिल्डिंग से, तब तक आग लग गई धू धू करके बिल्डिंग जलत बा, हमार गुड़िया भी वही में जर गई। थोड़ा सा बात कैलिन के दीदी अब लगता कि इतने दिन के साथ रहल हमार तोहार साथ छूट जाई, आए हो भैया, तुरंत टेलीफोन काट के माई घर से चल धलिन, आए हो गुड़िया कह पहुंचलिन हो कंपनी के और फैक्ट्री के पास, तमाम लोगों का तांता लगा हुआ है, आह आह चीखावत बा, जेकर परिजन हो नजदीकी उ तो पहुंच गईलन, लेकिन जेकर देहात में बा लोग कोई टीवी सीरियल पर देखता कोई पेपर पत्रिका पढ़ के बतावता कि भैया फला कंपनी में फला मंडी में बहुत भीषण आग लग गई, जेकरे जेकरे घर के
लोग वहां बार ड्यूटी में सब लोग कलेजे पर हाथ रख लेलन कि का मालिक यह नमक खाए के रहल, इतना मेहनत करे कि बेटा भाई हम लोग के जी आवत रहल, लेकिन आज उनके अंतिम समय में हमन देख भी नहीं पौली, एक बीता कफन भी नहीं दे पावल गई। लोग कहथुन कि जल गए लोग, तो जे जर गए तो राखी हो गए, चेहरा कभी शिनाख्त नहीं हो पौलस। भैल का आगे मास्टर देख लाइन गीत बदल गई फिर तुहल किन्नी बिया का तेरे जन कटी हाये बाबा, किन्नी बिया का पेड़ जन कटी हाये बाबा, निबिया चिरयन के पासे रहो, होत सवेरे उड़ जाइए चिरैया, होत सवेरे उड़ जाइए चिरैया, रही जाइए निबिया के पेड़ हो, इस गीत रहल लेकिन गीत से बढ़िया भाव लिखल गई ई मालिक के ओ विधवन के जेकर सुहाग जड़ गयल, ओ माई के जेकर गोंद का दुलारा जड़ गयल, ओ भाई के जेकर दहनी बाह खत्म हो गई, सब लोग ये दुनिया के लोग मिलके ओ मालिक से उलाहना देते उनके, हे मालिक ऐसा आपके नहीं चाहिए, काहे बताओ तुम। एक एक दिन जरबा चालीस गो सिंघोरावा, एक एक दिन जरबा चालीस गो सिंघोरावा, तके कर मंगिया के धोई हजूर हो, के कर मंगिया के धोई हजूर हो, रोवत हो कतना कतन सुगनवा। देखा है प्रियांश और गुड़िया की माँ, गुड़िया जल गई, प्रियांश बाहर खड़ी होकर रोवती, तब तक माई पहुंच गई, माई पहुंच के भर के अकवारी अपने बिटिया प्रियांश के रोवती, कहली का हो बेटी, मालिक हमारे पे इतना नाराज हुए, जेके देल लोग कहलन ओके छप्पर फाड़ के देल, लेकिन जेकर ले ले दुनिया से ओके उजाड़ के ही रख देलन। उ माई का हृदय भी रोवत हो, लेकिन दुनिया के बारे में एक लाइन माई सोचत थे, रोवत होई है केतनन कह केतनी सुगनवा, अरे रोवत होई है केतनन कह केतनी सुगनवा, ओहनी का कवन बाका सूर हो, प्रियांश की माँ तुरंत उलाहना मालिक को दे रही है कि हे मालिक बड़ा ना इंसाफी करत हुआ हमरे संगे, विधवा बन के हम जिंदगी नहीं बितावत रही है, विधवा हो गई तो हमारा गोद में दू बेटी एगो बेटा भी रहल, जौन बेटा हमार फौजी रहल, पुलवामा हमला में कुछ दिन पहले मारल गया, लेकिन वो बेटवा के हम जिंदा खा के आज कैसे जियत रही है, ये दोनों बिटियन के हम लेके यह हमारे शरीर का यह बैसाखी रही है, लेकिन इहो एगो अब टांग टूट गई, बतावत है माई मालिक के उलाहना देते हो, बचवा के मरा लाया बचियो के जरा ला, मरही के रह तई गोदी कहे भरला, भरला
हमरे नियर रोवत हुई है केतनी मातरिया, हमरे नियर रोवत हुई है केतनी मातरिया, जेकर हीरवा भइले ओ से दूर हो, जेकर हीरवा भइले उनसे दूर हो। ए मालिक हमारे साथ ना इंसाफी कैले हुआ आया। अगले जनवरी में 2019 जनवरी में मेरा बेटा जो देश का रक्षक था पुलवामा हमले में मारा गया। यही दोनों बिटिया प्रियांश और गुड़िया के लेके सोचली कि अब हमारी जिंदगी पार हो जाये, लेकिन यो नहीं देख गल। ऐसा नगर करे करे तो काहे हमार गोद भर दहला, ऐसे बढ़िया तो हमार बाझिन का जिंदगी रहलो, बाझिन बन के बिता ले ले हुई। अगला उल्हना मालिक से दिया था कैसे मास्टर। ओ मालिक से दुनिया के लोग एक उल्हना दे थुन के हे मालिक, महीना दो महीना चार महीना छह महीना साल भर पर अगर ऐसन कांड हुई तब तक ठीक रहल, लेकिन आए दिन अगर रोज रोज ऐसन होत हो ते दुनिया के लोग कैसे जी हैं, कैसे उल्हना दे थुन। ऐसे मरबा रोज रोज जब जान मान तब घट जाई, आ एक एक घर में तीन तीन गो संतान मान तब घट जाई, दूसरा उल्हना यह बा ऐसे अगर जान मरबा एक एक परिवार में तीन तीन गो चार चार गो दो दो लोग है तब आपके नाम का विश्वास है दुनिया अमृत लोक के लोग छोड़ दी हन कि भगवान भी कोई धरती पर हो। जनता ही ऐसन भइल बा, लोग आज का ऐसन भेलन कि आदमी ही आदमी के देखल ना चाहत हूं मारत हूं आपसे ज्यादा। अगर आपो में ज्यादा सहयोग करबा तो ई दुनिया के लोग कहाँ जाई हैं। मारा ता इंसान जान से धर्म भी पापी लूटता, प्रियंका ऐसन बेटी के बीच सड़क पर फूकता, अब छिपले बहुत बहुत अपमान मान तब लुट जाई, आया तो बना दे दुनिया के शमशान मान तब लुट जाई। मारा था इंसान धर्म भी पापी आज लूटा था, प्रियंका ऐसन बेटी के बीच सड़क पर फूका था, अब छिपले बा बहुत बड़ा अपमान मान तब लुट जाई, या तो दुनिया के कैदा शमशान मान तब लुट जाई। जब यह अत्याचार करे और करावे के होते ऐसे बढ़िया कि एक दिन धरती के नस्तना भून कैदा पूरे ब्रह्मांड को बना दीजिए शमशान, ये दुनिया के लोगन को लहना बा। एक लाइन बतावल गिला लहा में मास्टर। कि सूर्य के रोशनिया से या चांद के चदनिया से भले के हु बची जाई छिप के सीरिमा, लेकिन तोहरा नजरिया से केहू नहीं बच पाई, सबका के देखा ताला सुना भागवा, धर्म के धर्मावा के कि बात दे रोज रोज हो निदान,
मालिक से उलाना बा के मालिक, पापी के पाप के अधर्मी के धर्म के। अगर ये दू गो कतार लगा के धर्मी के धर्म बांट देता, पापिन के पाप बांट देता, तो शायद एकर इंसाफ हो जात, एकर निदान हो जाए। काहे नहीं ऐसा आप करत हुआ कि पल भर में न्याय मिलल दुनिया सरा है लागल, मुअलो पर बढ़ल अब प्रियंका जी का साना। डॉक्टर प्रियंका के बलात्कारियों का बहुत ही जल्द में प्रियंका को न्याय मिला। दुनिया सराहत बाकी बहुत बढ़िया काम भई। ऐसा ही अत्याचारियन के साथ में होवे के चाहिए, तो काहे नहीं आप ऐसा न करत हुआ। कैसन फिर देता मालिक एक बेर जाके अधिकारियन के, जरता बिहार में कैमूर बघनी बड़ौरा वाला दोषियन के बुआई हो देता, मोहनिया का टूट जाइत मन का अभिमान। बिहार की धरती कैमूर में बघनी गांव में भी बलात्कार हुआ, अभी बलात्कारी जिंदा है। वो लोग के भी ये नजीर दिखावे के चाहिए। वहां के लोगों का, अत्याचारियों का भी अभिमान टूट जाता। निर्भया भी सोच रही है क्या, अरे निर्भया भी रोवे तारी न्याय मिली हमारो के, पपियन के फांसी कहिया होई भगवा। निर्भया भी सोच रही है कि हमारे बलात्कारियों को यही सजा मिलना चाहिए। निर्भया भी रोवा तानी न्याय मिली हमारो के, अरे पपियन के फांसी कहिया होई भगवा। दुनिया के लोग टाह लगाए हुए हैं, बहुत ही जल्द निर्भया को भी न्याय मिलने वाला है। जितने भी ऐसे दूषित हैं इस धरती पर, चाहे कोई देश हो प्रदेश हो, अगर न्याय हुआ जो डॉक्टर प्रियंका के बलात्कारियों का, वैसा ही होना चाहिए। तो मालिक के ओर उलहना बा कवि जी के का, बड़का बलात्कारियन का कैदा सफा, छोटका डेराए जइहा कोई के देखावा हो, छोटका डेराए जइहा न्याय समान होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। न्याय और न्यायाधीश तो मालिक से भी बढ़कर होता है, इस दुनिया के मालिक से भी बढ़कर होता है कि उसे न्याय तो न्याय, अपना बेटा ही क्यों न जुर्म में फंसे, उसके साथ न्याय होना चाहिए। जैसा कि फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले हमने गाया, एक रेलवे का कांड गाया है जिसमें वो बलात्कारी था पुत्र द्याराम साहब का लड़का, उन्होंने सजा दिया, मौत तो नहीं दिया लेकिन सजा दिखा दिया कि ऐसे औलाद को अगर सिखाना है तो अपना ही औलाद क्यों न हो, उसे हम वंचित नहीं रहने देंगे इस कानून से। इसलिए कहना है कि चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई नेता हो नबाड़ी हो, मैं अपनी बात कहने से डरूंगा नहीं। कुछ लोग तमाम फोन पर धमकी भी दिया करते हैं, बातें भी हुई है हमसे,
लेकिन मैं एक सच है जो सच कड़वा होता है ये बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग हैं चाहे किसी भी कौम के लोग हों तो यह सरकार को हमें और आपको यह सोचना है मालिक की ओर उलाहना है जनता का कि कोई भी हो हमें न्याय मिलना चाहिए चाहे किसी कौम के लोग हों। कहा नाम है कि छोड़ ले कुलदीप के तू बारा उन्नाव में अचिन्यानंद छोड़ ले बारा कवाना लगा में रहीम आशा राम पाल के धरती से मीठा कि छोटका डेराय जइया कोई के न खावा हो छोटका डेराय चाहे वो राम रहीम हो आसाराम हो रामपाल हो चिन्मयानंद हो चाहे वो कुलदीप सेंगर हो कोई भी हो सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने भी ऐसा कुछ ऐसा करके दिखाया है जो हमारे इतिहास के पन्नों में आज से ही वह संलग्न होगा। इतिहास अधूरा नहीं बल्कि वह पूरा के बाद भी कुछ आगे बढ़ गया है। इसलिए कह नाम है कि जहिया से राम के बोलौले बड़ा देखला आदेशवा में कवन गति हो तुबानी रेखला अच्छा तो कुछ भाई लोग जो समझ ना पाई लोग तो कमेंट करलन सच है कि जहिया से राम के बोलौले बड़ा देखला देशवा में कवन गति हो तुबानी रेखला अगर ही लड़ाई ओ राम से न सपरी तो फिर हनुमान के भी लियावे के परी कैसे रक्षा खातिर अब तू हनुमान कह लिया छोटका डराय नहीं है कोई के देखा हो छोटका डराय बहुत अच्छे बारे बहादुर गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोर पावाना राम देव चंद्रिका कभी के दहिने राम खेला मंजर को देख समुंदर सुख गया बालतन नाम निवास होती घटना निरंतर मंदिर को देख समुंदर सुख गया